नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं, जहां खबर यह है कि मनोनीत एमएलसी के 9 नाम राज्यपाल को भेज दिए गए हैं। यूपी सरकार की तरफ से नाम राज्यपाल को भेजे गए हैं। राजभवन ने लिस्ट भेजे जाने की पुष्टि कर दी है, लेकिन लिस्ट में किस किस का नाम है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से मिल रही पुख्ता जानकारी के मुताबिक लिस्ट में जयाप्रदा का नाम नहीं है। सूत्रों के हवाले से मिल रही अन्य 9 नामों में लालू प्रसाद यादव के समधी जितेंद्र यादव, कमलेश पाठक, रामवृक्ष यादव, एसआरएस यादव, संजय सेठ, रणविजय सिंह, लीलावती कुशवाहा, राजपाल कश्यप, अब्दुल सरफराज। राजभवन को इन सभी का बायोडाटा भेज दिया गया, जिसका अब राजभवन परीक्षण कराएगा। इन सभी नामों की कानूनी जांच होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। विवेक, ही तो खबर एकदम उल्टी हो गई। हमने ये सोचा था कि अमर सिंह की चलेगी, जयाप्रदा की एंट्री होगी, लेकिन जो लिस्ट है उसमें आधे यादव हैं और आधे जो नाम है वो हम आपसे जानना चाहेंगे, किस बिना पर इनका बायोडाटा आगे बढ़ाया गया। देखिए, जयाप्रदा का नाम नहीं है, ये बात सही है कि जयाप्रदा को लेकर काफी माथापच्ची, काफी बगलबारी हुई, लेकिन ऐसा लगा कि अमर सिंह के खिलाफ जो लोग समाजवादी पार्टी में है उनकी बातों पर ज्यादा गौर किया गया और आखिरी में जयाप्रदा का नाम निकाला गया। कमलेश पाठक ये समाजवादी पार्टी के एक समय विधायक रहे और रैया के रहने वाले हैं। जितेंद्र यादव गाजियाबाद के हैं, लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। रामवृक्ष यादव ये इलाहाबाद के छात्र नेता हैं। एसआरएस यादव मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी हैं, प्रदेश में सचिव हैं और बहुत समय से मुलायम सिंह यादव के साथ हैं। संजय सेठ जो व्यवसायी हैं। रणविजय सिंह ये गोंडा के नेता हैं समाजवादी पार्टी के। लीलावती कुशवाहा ये फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के नेता है। राजपाल कश्यप भी समाजवादी पार्टी के नेता है और सरफराज जो सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के नेता है और आजम खान के बहुत करीबी हैं। ये इन 9 लोगों के नाम जैसा सूत्र बता रहे हैं इस लिस्ट में भेजे गए हैं। राजभवन से इसकी पुष्टि की गई है और राज्यपाल महोदय का जो कहना है, जो उनसे जो बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि अभी इसका हम परीक्षण कराएंगे और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, विधिक परीक्षण कराए जाएंगे। इस बीच एक और खबर निहारिका मेरे पास ये है कि एक व्यक्ति जिसने पहले एक प्रत्यावेदन राज्यपाल को इस संबंध में दिया था, उसने आज एक और प्रत्यावेदन राज्यपाल को भेजा है, जिसमें इन सभी 9 लोगों के, यानी उनके पास शायद ये पहले से खबर थी कि इनके नाम जा रहे हैं, इन सभी लोगों के बायोडाटा, इनके बाकी के जो रिकॉर्ड है, बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें जोड़ करके प्रत्यावेदन दिया गया है और उसमें 2010 में हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी लगाई गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा था कि किस किस बैकग्राउंड के लोग संविधान के अनुसार मनोनीत किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब राज्यपाल के पाले में है, अब वो इसका परीक्षण कराकर अंतिम निर्णय लेंगे और संकेत ये भी मिले हैं कि इस काम में थोड़ा समय भी लगेगा। यानी कि विवेक, इस जो पूरा ये जो चयन हुआ है 9 लोगों का, उसमें कौन आजम खान का, मुलायम सिंह यादव का फेवरेट है, जिसने उनको मैनेज कर लिया, उनके नाम है, ना कि एमएलसी की भूमिका देखते हुए जो उपयुक्त नाम भेजने चाहिए, उपयुक्त पर्सनैलिटी को आगे करना चाहिए, वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। जी, जो जैसा कहा जा रहा है, जो हाईकोर्ट का आदेश है और जो संविधान में जो बातें हैं उसको अगर हम देखें तो साहित्य, कला क्षेत्र, संगीत, इन सब चीजों में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके नाम आमतौर पर होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की परंपरा रही नहीं है। इससे पहले भी जो नाम भेजे गए थे वो अपने खुद के पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट के ही नाम भेजे जाते थे, उन्हीं को ओबलाइज किया जाता था। इस बार वही सिलसिला है, ऐसा कोई व्यक्ति इसमें नहीं है जो कला साहित्य के क्षेत्र से हो, सभी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं। एक व्यवसायी का नाम जरूर अलग है, वो समाजवादी पार्टी के सदस्य ना भी हो लेकिन समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी हैं वो। तो ये सारे नाम हैं, अब देखना है कि इस पर क्या होता है, राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं। खबर ये भी है कि अगर इसका मनोनयन होता है तो हाईकोर्ट भी कुछ लोग जा सकते हैं इसको चैलेंज करने के लिए, तो बहुत सी चीजें अभी उलझी हुई। बिल्कुल, बहुत पेच है, मनोनयन हुआ तो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन बात यह है कि साहित्य कला के क्षेत्र को दूर, पॉलिटिकल कंपल्शन यहां पर है, जिसने मैनेज किया उसको ओब्लाइज किया गया। खास बात यह कि अमर सिंह को लेकर जो एक धड़ा है जिसने विरोध किया उसकी चल गई, शायद जयप्रदा की इसीलिए एंट्री नहीं हो पाई एमएलसी के नाम के रूप में। धन्यवाद विवेक, पूरा अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते, आगरा की एक बच्ची की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे आए हैं। प्रधानमंत्री ने बच्ची के मुफ्त इलाज का वायदा किया है। बच्ची के दिल में छेद है और इलाज के लिए पैसे नहीं होने पर परिवार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर प्रधानमंत्री का ये जवाब। तैयबा के दिल में छेद है, चौथी क्लास में बच्ची पढ़ती है, पैसा है नहीं, किसी ने मदद नहीं की, परेशान निराश परिजनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, पीएमओ के जरिए पत्र मिला और प्रधानमंत्री खुद इसको लेकर आगे आए हैं। ये बच्ची
आगरा की है, इसका नाम तैयबा है, चौथी क्लास में पढ़ रही है और आगे पढ़ना चाहती है, जीना चाहती है, लेकिन दिल में छेद होने के कारण परिवार जो है पहले मुफलिसी की कगार पर है और परेशान हो गया। परेशान होकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिस पर प्रधानमंत्री खुद आगे आए हैं और बच्ची के मुफ्त इलाज को लेकर बात कही गई है। पीएमओ की ओर से प्रधानमंत्री ने इसकी बात रखी है और इस बच्ची के पिता ने, माता पिता ने जो पत्र लिखा उसको स्वीकार कर इस बच्ची के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है। और हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरिफ, कितने गदगद हैं परिजन, कब उन्हें जवाब मिला, क्या पत्र के माध्यम से मिला, क्या वो दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ इलाज होगा, ये सारी स्थिति साफ कीजिए। निहार का, ये आगरा का मंटोरा इलाका है, अब्दुल खालिक है उनकी बेटी है और बचपन से उसके दिल में सुराख है, काफी परेशान थे। अब्दुल खालिक जो है एक जूते की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी बेटी का इलाज करा पाए। जो बेटी है अभी चौथी क्लास में पढ़ रही है, उसने जो बेटी है उसने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को टीवी में देखा और टीवी से बहुत इंस्पायर होकर उसने चिट्ठी लिखी, लड़की ने खुद चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कि आखिर मैं बीमार हूँ और मुझे इलाज की बहुत आवश्यकता है और मेरा इलाज किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिट्ठी मिलने के बाद 15 दिन के अंदर उसका जवाब आ गया और जवाब ये आया है कि जो भी खर्चा आएगा वो पूरी तरह से मुक्त किया जाएगा। जी धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। बच्ची ने खुद ही चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री ने 15 दिन के भीतर ये जवाब दिया और कहा कि आप चिंता ना करें, इलाज होगा। ये आगरा से खबर है। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही जी संगम की मुहिम का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। नोएडा में नगली नगला और नगली साखपुर गांव की जमीन अब वापस रक्षा मंत्रालय को मिल जाएगी। ये 432 एकड़ जमीन है और भू माफियाओं के अवैध कब्जे में है। हाईकोर्ट ने करा रुख इख्तियार करते हुए नोएडा प्रशासन से 2 महीने के भीतर इस जमीन का कब्जा रक्षा मंत्रालय को वापस दिलाने को कहा है। भू माफिया के कब्जे में रक्षा मंत्रालय की जमीन, कोर्ट का चला हथौड़ा, अब वापस करो जमीन। नोएडा में भू माफिया की हनक का उदाहरण बने नगली नगला और नगली साखपुर गांव की जमीन वापस रक्षा मंत्रालय को मिल जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और नोएडा प्रशासन से 2 महीने के भीतर इस 432 एकड़ जमीन पर रक्षा मंत्रालय को कब्जा वापस दिलाने को कहा है। कोर्ट के रुख के बाद अब 5 अधिकारियों की निगरानी में कब्जा दिलाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। जी संगम की खबर का असर, अवैध निर्माण पर कोर्ट की सख्ती। जी संगम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। दरअसल सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1950 में नगली नगला और नगली साखपुर में रक्षा मंत्रालय को जमीन दी गई थी, लेकिन बाद में इस जमीन पर भू माफिया काबिज हो गए और सैकड़ों फार्म हाउस काट डाले। मौजूदा वक्त में यहाँ ग्रीन ड्यूटी फार्म, फ्लोर फार्म, एक्नन फार्म, बुद्धा फार्म हाउस नाम की बड़ी कंपनियां शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में पिछले 20 सालों से प्रशासन का रवैया सुस्त रहा है। कुटी की जो बहुत दिन पुरानी जमीन है, जब चंडीगढ़ से टीम आई थी जब भी इसको पास कर देते थे कि बाबा की जमीन है, इसके पीछे कर लाइन गई हो, कोई कार्रवाई नहीं करता। कार्रवाई करते हैं तो अब जो किसान के नंबर है उनकी रिपोर्ट तो कर दो, तो उनकी जमीन तो हकती हुई है, पर नंबर जो नंबरी नंबर इधर हवाई अड्डे में लगा दिए और तुमने असली समझ कर उसको खरीद लिया। इन फार्मों के खिलाफ अब तक स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार इस जमीन पर फार्म हाउस निर्माण को अवैध बताया गया है, लेकिन निर्माण को रोकने की पहल कभी नहीं हुई। अब जब इस मामले में कोर्ट की ओर से सख्ती हुई है तो इलाके में सक्रिय भू माफियाओं में हड़कंप मचा है, जबकि स्थानीय प्रशासन चुस्त नजर आने लगा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 महीने में जमीन का सीमांकन कर जमीन वापसी कराई जाएगी। साथ ही रिवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के डीएम, सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी और वायुसेना के एक अधिकारी मामले की जांच करेंगे। 2 महीने बाद मामले में हुई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। आपको बता दें कि इस
खबर को लेकर जी संगम ने प्रमुखता से 2 से 3 बार इस मामले को उठाया, जिसके बाद पहले जिला प्रशासन हरकत में आया और अब हाई कोर्ट ने इस मामले में 2 महीने का समय दिया है। माना यह भी जा रहा है कि जो दोषी अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते भूमाफिया यहां सक्रिय हुए, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। बीजेपी जाए इन दिनों मोदी सरकार की कामयाबी को गिनाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। वाराणसी में कांग्रेस ने आज मोदी सरकार के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार पिछले 1 साल में अपने तमाम वायदे पूरे करने में नाकाम रही है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की शक्ल सूरत बदलने का वायदा किया था, लेकिन सारे वायदे हवा हवाई हो गए। कांग्रेस अपने अभियान के तहत 26 मई तक केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर आम लोगों के पास जाएगी, फिर 28 मई से 5 जून के बीच खुद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र जाकर 3 दिन बिता सकते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन शक्ति सिंह गोहिल थे, जो लगातार उनका सामना करते थे और उनसे सवाल करते थे। आज वो वाराणसी में अजय राय के साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल 1 हफ्ते तक वाराणसी में रहेंगे। शक्ति सिंह गोहिल के मुताबिक वो मोदी सरकार की असफलताओं को लोगों के सामने रखेंगे। उनसे विस्तार से प्रश्न किया हमारे संवाददाता अमित ने। शक्ति सिंह जी, साल भर पूरा कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने देश से लेकर विदेश तक में मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि भारत बिल्कुल बदल सा गया है। पहले की तुलना में अब जो देश में पैदा हो रहे हैं, उनको इस बात का स्वाभिमान है कि वो देश में पैदा हो रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। चुनाव के वक्त कहा था, देशवासियों काला धन यूं आएगा, हर देशवासी की जेब में 15-15 लाख कम से कम आ जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 250 मिलियन यूथ को 10 साल में नौकरी, माने हर साल 2.5 करोड़ को नौकरी मिल जाएगी, देश का कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, किसानों के अपने उत्पाद का पूरा पैसा दिया जाएगा और इस देश में अच्छे दिन आ जाएंगे। अब सूट बूट की सरकार आई, इसमें से कुछ हुआ नहीं और सिर्फ ही नुकसान हुआ है। शक्ति सिंह गोहिल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को उनके ही संसदीय क्षेत्र में अब कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है। तमाम आंकड़ों के जरिए पिछले साल भर में जो केंद्र सरकार द्वारा काम कराए गए उनमें ये खामियां बताई गई है और 1 हफ्ते तक इसी तरीके से प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहा है, लेकिन बनारस पर खास नजर है। कैमरा पर्सन राम बालक के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने अमेठी दौरे के 3रे दिन भी मोदी सरकार और बीजेपी पर आक्रामक दिखे। फिलहाल राहुल दिल्ली लौट आए, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने लखनऊ में मोदी सरकार पर हमला बोला, केंद्र सरकार पर अमेठी के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही राहुल ने कहा कि चाहे इंदिरा आवास का मामला हो या PMGSY, इन सभी योजनाओं को लेकर अमेठी के साथ भेदभाव हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज अमेठी में जिला सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया था। हर पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सेंटर की सरकार, चाहे वो PMGSY हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो, वो अमेठी के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं कहा है, सब पार्टी के लोगों ने कहा है। अंदर यही मैं फुटपाथ के बारे में कह रहा था और यही हमारे जो अलग अलग स्कीम्स हैं वो काम वहीं भी हो रहा है, तो ये गलत है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज रात फ्रांस पर जाने वाले हैं। कन्नौज के इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीएम फ्रांस दौरे पर जा रहे हैं। कन्नौज इत्र के लिए खासा मशहूर और सरकार की यहां के उद्योग को आगे बढ़ाने की तैयारियां हैं। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कन्नौज के सबसे ज्यादा इत्र कारोबारियों की यही मांग थी, तो किस फहरिस्त के साथ इसकी ब्रांडिंग कराने के लिए, इसकी अच्छी मार्केटिंग कराने के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए निहारिका, जिस तरीके से कन्नौज में इत्र का कारोबार है और उस इत्र की जो प्रसिद्धि है वो काफी दूर तक फैली हुई है, लेकिन कभी भी जो वहां का इत्र उद्योग है वो एक बड़ा रूप नहीं ले पाया, तो वहां पर एक बहुत बड़ा हब बनाने की तैयारी है। अभी कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फ्रांस के कुछ लोग थे जिनका परफ्यूम का बहुत बड़ा कारोबार है देश विदेश में और फ्रांस में उनका बहुत बड़ा सेंटर है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश को इन्वाइट किया था कि आप फ्रांस आइए और फ्रांस आकर आप हमारी टेक्नोलॉजी देखिए और उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को अगर आप कन्नौज में लाकर लगाएंगे तो यहाँ पर रोजगार के साथ साथ बहुत बड़ा
हब बन जाएगा और जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो बहुत बारीकी से उन्होंने समझा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने और उनका जो निमंत्रण था वो स्वीकार किया। तो आज रात को फ्रांस दौरे पर जा रहे हैं, करीब 29 तारीख तक वो वहां पर रहेंगे और जो वहां के बड़े व्यापारी हैं इस उद्योग से जुड़े हुए उनसे वो बातचीत करेंगे और आने वाले 2 महीने में एक फ्रांस का एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो कन्नौज आएगा और यहाँ की इंडस्ट्री को समझेगा और यहाँ पर बड़ा प्लांट लगाने की वो तैयारी करेगा। लेकिन देखना होगा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब फ्रांस के दौरे पर रहेंगे तो क्या क्या चीजें उनको समझ में आती हैं। जी धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। सियासतदान भले ही मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को लेकर लड़ते रहे हों लेकिन इन सबसे हटकर बिहार के मोतिहारी के मुस्लिम परिवारों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। मोतिहारी में बन रहे विराट रामायण मंदिर के लिए सबसे पहले मुस्लिम परिवारों ने जमीन दान दी। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल के मुताबिक मंदिर के लिए सबसे पहले मुस्लिम भाइयों ने जमीन दान की और कई लोगों ने कम रेट में उन्हें जमीन दी। उसके बाद ही हिन्दुओं ने जमीन देने का मन बनाया। किशोर कुणाल के मुताबिक मुस्लिमों की इस पहल से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। यहां वक्त है, फटाफट कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बागपत जनपद के बिनौली थाना इलाके में बुढेरा गांव में एक युवती की उसके सगे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल युवती दिल्ली के मीठ नगर इलाके की रहने वाली थी और प्रेम प्रसंग के चलते उसके परिजनों ने उसके मामा के घर बागपत भेज दिया था। बरेली में भट्टा मालिक पर मजदूर की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि घारमपुर के भट्टा मालिक ने एडवांस रुपए लेने के बाद काम पर न आने वाले मजदूर को पीटा, इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के आईजी दीपक शर्मा ने कलेक्ट्रेट के असला विभाग पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। आईजी ने 22 बोर की राइफल का आवेदन किया था। वहीं डीएम ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश सिटी मजिस्ट्रेट को दे दिए हैं। मुरादाबाद में मेगा स्टोर विशाल मेगा मार्ट खराब एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ रखने के मामले में फंस गया। खाद्य विभाग की जांच में इस मेगा मार्ट में मौजूद मसूर की दाल के नमूने फेल हो गए। इस मामले में एसडीएम सिटी कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश में आज 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। विजय कुमार गर्ग को फैजाबाद का डीआईजी बनाया गया है। वहीं संजय कक्कड़ को एसीओ लखनऊ का डीआईजी बनाया गया है। इसके अलावा दीपक शर्मा को ह्यूमन राइट्स लखनऊ का डीआईजी बनाया गया है।